हेलो क्लास फिफ्थ, आज हम लोग दीपा कर्माकर के बारे में जानेंगे। दीपा कर्माकर 2016 में रियो ओलंपिक्स में चौथे स्थान पर आई थी। दीपा कर्माकर एक अद्भुत संतुलन। इसके ऑथर हैं श्रीलेता मैनन, इसके इलस्ट्रेटर हैं सोनल गुप्ता वासवानी, इसकी ट्रांसलेटर हैं डॉक्टर अमरदीप, और इसको पब्लिश करा है किताब को प्रथम बुक्स ने। दीपा को कूदना बेहद भाता, वह पेड़ों पर चढ़ जाना पसंद करती और उसे सबसे अधिक अच्छा लगता अपनी पूजा दीदी के साथ दौड़ लगाना और खेलना। दीपा त्रिपुरा की राजधानी अगरतला में रहती थी। अगरतला अगर के पेड़ों व अनानास, नारंगी और लीची के बगीचे से सजी हरी भरी जगह है। उसके बाबा राष्ट्रीय भारोत्तोलन चैंपियन थे। उनके साथ वह लगभग रोजाना व्यायाम कर यानी जिम जाया करती थी, जहां वह प्रशिक्षक थे। माँ और बाबा अपनी दोनों बेटियों को खेल के क्षेत्र में लाना चाहते थे। यही कारण था कि दीपा का प्रशिक्षण महज 5 साल की उम्र में शुरू हो गया। जिम्नास्टिक बहुत कुछ नटों का के खेल और एरोबिक्स की तरह, तेज गति के साथ कलाबाजी, पैरों को मोड़कर हवा में उड़ते हुए गोते लगाना, पतली रस्सी, वॉल्ट और ऊंची ऊंची छड़ों पर पूरे शरीर को घूल घुमाते हुए सिर को एड़ी तक ले आने जैसे सांस रोक देने वाले करतब दिखाना। दीपा ने बाबा से प्रशिक्षण लेना शुरू कर दिया, लेकिन उसे गिरने का डर लगा रहता। वह बीम पर एक कदम भी ना चल पाती, कई नखरे और शिकायतें करती, पर बाबा को विश्वास था कि वह एक दिन अपने डर को जीत लेगी, और वह सही थे। अरे वाह, दीपा दोनों हाथों और पैरों के सहारे पहिए की तरह घूम रही थी। ओहो, वह कितनी आसानी से हवा में सारे करतब कर रही है। बाबा और दीपा के कोच सोमा नदी नंदी दोनों बहुत खुश थे। 2002 में हुए उत्तरी पूर्वी खेलों में जब दीपा 9 साल की थी, उसने बैलेंसिंग बीम प्रतियोगिता में भाग लिया, और जानते हैं क्या हुआ? दीपा ने स्वर्ण पदक जीता। क्या स्वर्णिम क्षण थे वे। उसकी यह जीत दीपा और उसके बाबा के लिए खास मायने रखती थी। जब उसने जिम्नास्टिक को गंभीरता से लेना शुरू किया, पर दीपा को अभी कठिन मेहनत करनी थी। उसके पैर के तलवे सपाट थे, उसमें स्वाभाविक रूप से पाए जाने वाली गोलाई नहीं थी। सपाट तलवे एक जिम्नास्टिक के दौड़ने और फिर कूदने के बाद जमीन पर संतुलन बनाने को प्रभावित करते हैं, लेकिन दीपा ने तय किया कि वह हार नहीं मानेंगी। दीपा के कोच सोमा नंदी ने उसे गुरुजी विश्वेश्वर नंदी से मिलवाया। गुरुजी ने उसके प्रशिक्षण का जिम्मा ले लिया। शीघ्र ही दीपा विशेष तरह के व्यायाम करने लगी, जिससे उसके पैरों के तलवों में गोलाई विकसित होने लगी। भारत में कभी जिम्नास्टिक की विशेष प्रसिद्धि नहीं रही है। प्रशिक्षण के लिए ना तो बुनियादी सुविधाएं यहाँ थी और ना ही उपयुक्त स्थान, पर दीपा के लिए ये कठिनाई मायने नहीं रखती थी। गुरुजी ने स्कूटर के कलपुर्जों से स्प्रिंग बोर्ड तैयार किया। टूटे फूटे मैप को एक दूसरे के ऊपर रखकर वोल्डिंग प्लेटफॉर्म बनाया और पुरानी कार की सीटें लैंडिंग स्पेस बन गई। दीपा के लिए ये व्यस्तता भरे दिन थे। दीपा प्रत्येक दिन 8 घंटे दौड़ने, कूदने, शरीर को अलग अलग तरीके से मोड़ने और उसे गोल घुमाने हुए सिर के बल खड़ी होने का अभ्यास करती। उसकी हड्डियों में दर्द होता और मांसपेशियों में तकलीफ होती रहती। वह उदास भी हो जाया करती थी। भूख और थकान उसे बहुत परेशान करते। बाकी बच्चों की तरह दीपा को भी आइसक्रीम बेहद पसंद थी, लेकिन उसे सख्ती से आहार के नियमों का पालन करना होता। कभी कभी उसे घर से दूर स्पोर्ट्स हॉस्टल में रहकर अभ्यास करना होता, और खास बात ये थी कि इसके साथ साथ उसकी परीक्षाएं भी रहा करती। पर क्या वो इतनी कड़ी मेहनत करने से पीछे हटी? नहीं, बिल्कुल नहीं। दीपा की एकमात्र इच्छा थी कि वह अधिक से अधिक मेडल जीतना और अपने क्षेत्र में सर्वश्रेष्ठ होना।
साल बीतते गए। दीपा ने सारे जूनियर और राष्ट्रीय खिताब अपने नाम किए। हालांकि 2010 के राष्ट्रमंडल खेलों में उसे सफलता नहीं मिल पाई। आशीष कुमार उस प्रतियोगिता में मेडल जीतने वाले पहले भारतीय जिम्नास्ट रहे और भारत के लिए यह गौरव भरा क्षण था। दीपा का दिल टूटा, पर इस झटके ने उसे मजबूत ही किया। अब उसने और बेहतर करने का संकल्प किया। चार साल बाद 2014 के ग्लासगो राष्ट्रमंडल खेलों और फिर 2015 के हिरोशिमा एशियाई खेलों में दीपा ने कांस्य जीता। विजेताओं के मंच पर खड़ी होने का रोमांच कुछ अलग ही था। अब दीपा 77 मेडल जीत चुकी थी, इनमें से 67 स्वर्ण पदक थे। लेकिन गुरुजी चाहते थे वे अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर अपनी छाप छोड़े। अभी उसे वह करना था जिसके लिए ज्यादातर जिम्नास्ट ने कोशिश भी नहीं की थी, कुछ साहसी और खतरनाक। गुरुजी ने उसे प्रोदुनोवा वोल्ट के लिए प्रशिक्षण देना शुरू किया। इसका नाम येलना सर्गेवना प्रोदुनोवा नाम की महिला जिम्नास्ट पर रखा गया था, जिसने पहली बार इसमें महारत हासिल की थी। इससे पहले अब तक केवल 4 महिलाओं ने इस बेहद खतरनाक कलाबाजी को सफलतापूर्वक पूरा किया है। सोलह में 23 साल की दीपा रियो ओलंपिक खेलों में दुनिया को अपना कौशल दिखाने के लिए तैयार थी। पूरा देश बड़ी उत्सुकता से उसे पदक जीतते हुए देखना चाहता था, पर वह जीते जीते चूक गई। मैं 15 सेकंड के अंतर से वह पदक जीते जीते रह गई। लेकिन उसके प्रदर्शन ने सबको अवाक कर दिया था। अपनी हार को भुलाकर दीपा ने अगले ओलंपिक के लिए प्रशिक्षण शुरू कर दिया है। वह कुछ चौंकाने वाली योजना पर काम करना चाहती थी। उसकी इच्छा जिम्नास्ट की कुछ नई कलाबाजियों को रचने की थी। जब रोमानिया के जिम्नास्ट नादिया कोमानेची उनसे मिली तो उन्होंने कहा, ये भारत के लिए खुशी की बात है कि उसके पास दीपा जैसी आदर्श जिम्नास्ट है। मैं आशा करती हूँ कि बच्चे उसे जिम्नास्टिक के लिए प्रेरित होंगे उससे, क्योंकि इसी तरह हम सबकी शुरुआत हुई है। दीपा अनवरत कोशिश करती रहती, अपने प्रदर्शन को हर दिन और बेहतर करना चाहती और हर बार अगली बार के लिए तैयार रहती। भारत को गौरवान्वित करने का कोई मौका उसे नहीं छोड़ा।